अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब घरे से होंगे। तो चलो गाइस, आज हम बनाते हैं बकरीद के लिए स्पेशल मटन करी। हुई बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी, तो चलो किचन में चलते हैं। तो हम 1 kg लिए हैं मटन, उसको धो के अच्छे साफ करके रख दी हूँ। और 3 प्याज को काट ली हूँ, इसमें से आधा पेस्ट बनाऊँगी, आधा बचा कर रखी हूँ। और उसमें डाल देना काजू 5-6 और काली मिर्च और जावित्री और 2 लौंग और 2 इलायची डाल देने, 1 चम्मच डाल देने जीरा, उसमें पीस लेंगे जीरा। और ये बड़ी इलायची को हम तोड़ के इसमें से बीज निकलेगा उसको पीस लेंगे, और छिलके को हम तड़के में डाल देंगे, यानी ऐसे ही डाल देंगे। तो इसको चलो चाकू से तोड़ लेते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से इसे तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद उसमें का बीज सारा निकाल लेंगे। तो इसको इसे फटाफट से निकाल ले रहे हैं। ये लिए जायफल बहुत गर्म होता है, अभी गर्मियाँ चल रही है, तो आप थोड़े इसको थोड़े इस्तेमाल करना। बस इसमें हम थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस ग्रेटर से थोड़ा सा इसे ग्रेट कर दे रही हूँ उसे पे। तो इसको डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, उसके बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। तो सारी चीज़ों को रख देंगे साइड में। तो चलो सारी चीज़ों को रखते हैं साइड में पहले, फिर इसका हम पेस्ट बनाते हैं। तो इसमें पानी डाल के इसको हम पेस्ट बनाने के लिए रख दिए। पेस्ट बना के इधर हम गैस जला दिए, गैस पर रख देंगे कुकर। तो उस कुकर जब हल्का गर्म हो गया तो उसमें हम डाल दिए 1.5 चम्मच भर के तेल सरसों का। जब तेल गर्म होगा तो उसमें हम जो गोश्त धो के रखी हूँ उसको डालेंगे। देखो सारे गोश्त को हम इसमें डाल दे रहे हैं, दो सारा गोश्त इसमें डाल दिए। डालने के बाद इसको हम चलाएँगे। तो इसमें हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें 1 चम्मच भर के, इसको डाल के ऐसे भूनेंगे 2 मिनट। ऐसे भूनने से क्या होगा ना कि इसमें खुशबू अच्छी आने लगती है। और इसमें हम जो गरम मसाले रखे थे उसको डाल दे रहे हैं, सारे गरम मसाले जो बना बचा करके, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, सारी वो सब चीज़ें डाल दे रहे हैं। उसके बाद डाल दे रहे हैं इसमें हम जो एक बड़ी साइज़ की प्याज काट रखी थी उसको डाल दे रहे हैं, और जो पेस्ट बना के रखी थी उसको भी डाल दे रहे हैं। ये सब चीज़ें डाल के इसको हम अच्छे से चलाएँगे। उसके बाद देखो जार को भी धोकर डाल दिए। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, तो 1.5 चम्मच भर के हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दे रहे हैं, और 1/4 चम्मच डाल देंगे इसमें हल्दी का पाउडर, हल्दी बहुत कम ही डालते हैं हम, और 1 चम्मच डाल दे रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, और 3-4 चम्मच इसमें डाल देंगे धनिया का पाउडर। देखो 4 चम्मच डाल दिए, छोटा चम्मच है, बड़ा चम्मच नहीं है। उसके बाद डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक 1 चम्मच भर के। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिला देंगे। देखो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला दे रहे हैं, सारी चीज़ें हमारे अच्छे से मिल रही है। देखो दोपहर में कोई खाना बना रहा, देखो सीटी की आवाज़ आ रही है। तब इसको चला दिए, चलाने के बाद इसमें डाल दे रहे हैं हम गरम मसाला। ये राजेश गरम मसाला, ये बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके यहाँ मिलता हो जिसको ज़रूर इस्तेमाल करना, ये बहुत बेहतरीन होता है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल दे रहे हैं, डालने के बाद इसको हम बंद कर देंगे, उसको 3-4 सीटी आने तक पकाएंगे। जब 3-4 सीटी आ जाएगी ना, तब इसको हम ये डिपेंड करता है आपके कि आपके कुकर कैसे है, जल्दी पकाता है या नहीं, या कि मटन कितना हार्ड है। देखो आप गोश्त हमारा पक गया, हम गैस बंद कर दिए। देखो इसमें तेल अलग दिख रहा ना, बेहतरीन खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, हम कैसे आपको बताएं। हमें पानी आ जा रहा देख के। अभी बस थोड़ी देर भूनेंगे, उसके बाद पहले चेक कर ले रहे पक गया कि नहीं। ऐसे पीस सारे पक चुके हैं, देखो टूट जा रहा, बहुत गर्म इसलिए हम हाथ से टच नहीं किए। इसमें हम डालेंगे गरम करके पानी, इसको थोड़ी देर भूनने के बाद जो गरम पानी डाल दें इसमें। ग्रेवी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बस हम थोड़ा सा कम ही रखेंगे क्योंकि गोश्त पक चुका है, यानी मटन गल चुका है। ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा पकाना पड़ेगा हमें, सालन हमें थोड़ा गाढ़ा चाहिए, यानी ग्रेवी थोड़ा गाढ़ी रहनी चाहिए, तब इसको हम इसे पकाएँगे। कुकर बंद नहीं करेंगे, वैसे चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। तो गाइस आज की वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन दबा देना ताकि जो नई वीडियो डालें आप तक पहुँच जाए, ये बिल्कुल फ्री है। तो देखो गोश्त हमारा बातों बात है, मैं पक एकदम रेडी हो गया, बेहतरीन लग रहा, देखें जो कितना बेहतरीन लग रहा। इसको आप नान, चावल, पराठे किसी चीज़ के साथ खाओ, मज़ा आने वाला पुलाव। तो इसको हम सर्व कर ले रहे हैं, देखो बाउल लिए उसी में सर्व कर ले रहे हैं, यानी कटोरी में। वाह नल्ली दिख रही है, हमारे बेटे को नल्ली बहुत पसंद है, हमारे हस्बैंड को भी। तो देखो सारे सर्व कर दिए, इसको हम रोटी के साथ सर्व कर करके, खीरा भी काट के रखे हैं,
तो गाइस आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।